इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत की देन है। किसी के मांगने से या ढूंढने से इज्जत नहीं मिलती। हाँ, लेकिन इज्जत पाने के अल्लाह ताला ने कुछ तरीके बताए हैं, जिनमें से एक ही तरीका समझ में आया है इस जिंदगी से, और वो है आजजी। अगर झुक जाए, आजिज हो जाए अल्लाह के आगे, अपने आप को खुदा ना बनाए, अपने आप को फिरौन ना जाहिर करें, तो मुझे यकीन है कि इज्जत बढ़ेगी। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और क्या खूबसूरत हदीस है, कि अगर झुक जाने से यानी आजजी से, इख्तियार करने से अगर तुम्हारी इज्जत में कमी आ गई ना, तो क़यामत के दिन वो इज्जत मुझसे ले लेना। तो ये जो वक्ती तौर पर झगड़ा या मसला दरपेश होता है, उस वक्त भले में वही रहता है जो खामोश रहता है, भले में वही रहता है जो माफ़ कर देता है, जो झुक जाता है, जो बात को ख़त्म होने देता है, उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त देंगे। और आप आज़मा कर देख लीजिएगा कि जो इंसान झगड़े में खामोश रहता है, उसकी खामोशी सामने वाले इंसान के लिए इतनी बड़ी गाली और इतना बड़ा थप्पड़ बन जाता है कि उस इंसान को कई दिनों तक ये गम रहता है कि मैं इतना बोला और ये शख्स कुछ भी नहीं बोला।